हाय एवरीवन, मैं हूँ उषमा। और आज की जो रिक्रूटमेंट है वो एक नहीं बल्कि दो जॉब रोल्स के लिए है। पहली एचआर रिक्रूटर की है स्मार्ट स्टेप्स एचआर सर्विसेज में, और जो दूसरी है वो अमेजोन की तरफ से है। कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का जॉब प्रोफाइल है। सैलरी 24,000 प्लस इंसेंटिव भी दिए जाएंगे और नाइट शिफ्ट अलाउंस भी मिलेगा। अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट सभी एलिजिबल हैं। फ्रेशर्स भी यहाँ पे एलिजिबल है, और अगर एक्सपीरियंस्ड है तो प्रायोरिटी ज़रूर दी जाएगी। तो एंड तक हमारे साथ बने रहना, और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको डेली बेसिस पे दो वर्क फ्रॉम होम की अपडेट्स जो है वो मिलती रहे और आप अप्लाई करके सेलेक्ट होते रहें। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बहुत लीनियंट रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ जो एज लिमिटेशंस है वो भी लीनियंट रखी गई है। मैक्सिमम 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं करना है। अगर मैं स्मार्ट स्टेप्स की बात करूँ तो स्मार्ट स्टेप्स जो है वो एक एचआर सर्विसेज रिक्रूटर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ जाकर एक बार चेक ज़रूर करिएगा इंटरव्यू से पहले। अमेज़ॉन की बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि अमेज़ॉन जो है वो एक लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। जॉब रोल जो दिया जा रहा है, पहला जो स्मार्ट स्टेप्स एचआर सर्विसेज में जो हायरिंग की जा रही है वो एचआर एग्जीक्यूटिव की हायरिंग की जा रही है। दोनों ही वर्क फ्रॉम होम जॉब है। अमेज़ॉन में जो कस्टमर सपोर्ट का जॉब रोल है डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए, वो भी वर्क फ्रॉम होम ही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, मैक्सिमम एक्सपीरियंस जो है वो 2 ईयर्स का कंसिडर किया जा रहा है। अगर मिनिमम 6 मंथ्स का है तो भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। पर्क्स एंड बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो 12,000 से 16,000 इन हैंड मिलेगी। ये फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड पे वैरी करेगी, और इसके ऊपर जो है वो आपको इंसेंटिव जो है यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं इस नंबर पे आप अपना रेज्यूमे शेयर करिए ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो जल्दी जल्दी हो सके। वर्क फ्रॉम होम जॉब है। डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिकली एचआर की जैसा ही है। एचआर की ही प्रोफाइल है ऑब्वियसली। तो एंड टू एंड रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ कंडक्ट करानी होंगी, जैसे कि इंटरव्यूज़ लाइन अप कराने होंगे, इंटरव्यू आपको कंडक्ट कराने होंगे, ऑफर से लेकर ज्वाइनिंग तक जो भी फॉलो अप है वो यहाँ पे एक बार चेक करना होगा। तो जो भी अलाइनमेंट होते हैं एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, वो सारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी होगी। डिजायर्ड कैंडिडेट्स प्रोफाइल, अगर एक एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप ग्रेजुएशन है, अंडर ग्रेजुएट हो तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कंपनी सिस्टम प्रोवाइड नहीं करेगी, आपको आप पास खुद का आपका सिस्टम होना चाहिए। जो एज रेंज है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत ज़्यादा इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। 18 ईयर्स से 30 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही में ही फ्लुएंटली बोलते आना चाहिए, मतलब एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। दोनों ही लैंग्वेज ही यहाँ पे मैंडेटरी रखी गई हैं। अपनी प्रोफाइल में ये कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है वो ऐड कर सकते हो ताकि जो रिवर्ट आने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएं। अमेजोन की बात करें तो अमेजोन में जो है वो कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए हायरिंग की जा रही है। इसमें जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो मील कार्ड, इंटरनेट अलाउंस जो 1250 पर मंथ है, जो मील कार्ड है वो 1100 पर मंथ है, और जो नाइट शिफ्ट अलाउंस है वो 150 पर शिफ्ट के हिसाब से दिया जाएगा। इंश्योरेंस जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। वर्क फ्रॉम होम जॉब है 24,000 पर मंथ तक, बिकॉज इसमें 2.97 LPA तक आपकी सैलरी रहेगी। और जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं उनकी सैलरी उनके प्रीवियस वर्क रोल और प्रीवियस जो सैलरी है उस पर डिपेंड करेगी। ये सैलरी जो है मैंने आपको फ्रेशर्स की बताई है, और जिनके पास 6 महीने का अप्रॉक्सीमेटली एक्सपीरियंस है उनके लिए बताई है। तो अप्रॉक्सीमेटली 24,000 पर मंथ तक इसमें सैलरी रह सकती है। उसके ऊपर ये इंसेंटिव बोनस और ये जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं जो भी अलाउंस है यहाँ पे वो यहाँ पे ऐड रहेंगे। इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कस्टमर सपोर्ट का ही जॉब रोल होगा। बेसिकली जो कस्टमर्स की क्वेरी है वो यहाँ पे सॉल्व करनी होगी। हाँ, यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 यहाँ पे मांगा गया है अमेजोन के लिए। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन अगर आपका नहीं है पूरा, जस्ट नाउ आपने अगर 12th पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट है तो भी यहाँ पे एलिजिबल है। ऐसा यानी इन्होंने कोई भी मैंडेटरी स्ट्रीम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखी है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैंडेटरी है, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, बीड और जलगांव के जो कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ के लोकलाइट हैं वो यहाँ इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शुड हैव द एक्सेप्शनली गुड कम्युनिकेशन, इन्होंने भी कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में अच्छी मांगी है। और परसुइंग ग्रेजुएशन एज अ फुल टाइम स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल। अगर आप फुल टाइम ग्रेजुएट कोई भी रेगुलर डिग्री परस्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई ना करें। लेकिन हाँ,
अगर आपने डिस्टेंट लर्निंग कर रखी है, डिस्टेंट लर्निंग कर रहे हैं, या प्राइवेट आपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ भी परस्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। कॉमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिएगा अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो। आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एप्लीकेशन की लिंक आपको मिल जाएगी, तो एक बार वहाँ से चेक कर लीजिएगा। कंपनी की प्रोफाइल गो थ्रू करिएगा इंटरव्यू से पहले। रिज्यूमे को अपने से बिल्ड करिएगा और हम सिर्फ आपके लिए एक पाथ ला सकते हैं। हम आपको सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अप्लाई आपने खुद ही करना है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विद द जॉब एप्लीकेशंस। कल फिर मिलेंगे एक नई वर्क फ्रॉम होम अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।